वो इधर आओ इधर आओ। बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कैंसिलेशन, किसी भी वीजे में आप बैठे होंगे, ठीक है, जब कैंसिलेशन कराई जाती है वो कंपनी द्वारा पीआरओ जाके आपको कैंसिल करता है तो आपको एक मिलता है तमगा, जिसे कहते हैं कैंसिल सर्टिफिकेट, कैंसिलेशन सर्टिफिकेट। उसके ऊपर एक डेट लिखी होती है, जरा गौर कीजिएगा, ऊपर लिखा होता है कि भाई इस डेट से पहले पहले कंट्री को एग्जिट कर जाना है। 28 डेज का टाइम होता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट, ठीक हो गया ना, जब वो कैंसिलेशन हुई होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई है, मुझे बहुत से लोग ना हर दूसरे दिन एक चीज बार बार पूछ रहे हैं। मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बना के रख दी जाए ताकि इनको समझ आए क्यों हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा जो अरबाब है, जो कंपनी है, वो क्या कह रही है कि आप पहले टिकट बुक करवाएं, टिकट कंफर्म होगा हम आपको पासपोर्ट दे देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें एक नई जॉब मिल गई है। मुझे पता है कैंसिलेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप अपने घर वापस चले जाएं और जाके दाल रोटी मारें, इधर कहीं काम धंधा ढूंढना होता है, लोगों को कहीं पे काम धंधा मिल भी जाता है, होता है। तो आप वो कैंसिलेशन से उस काम धंधे पे कैसे जाएं, ये क्वेश्चन मार्क आता है। यहाँ पे दो कंडीशंस बताऊंगा आपको। एक तो वो है, देखें कंपनी क्यों कहती है कि टिकट करवाएं और आपको एयरपोर्ट तक छोड़ के आती है, ये लेबर क्लास के अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप एग्जिट नहीं करते ना, अगर आप एग्जिट नहीं करते कंट्री को बिफोर दैट पर्टिकुलर डेट, तो फाइन आता है कंपनी के ऊपर, ठीक हो गया ना, अकाउंटिंग में डालना पड़ता है, फिर लंबे खाते खुल जाते हैं, कंपनी इस चीज के अंदर आना नहीं चाहती। सेकेंड, देखिए अगर आप वाकई ही वो हक लाली तरीके से कोई नई जॉब ढूंढ लेते हैं ना, तो आप क्या करें भाई, मेरे अपने नए जो एम्प्लॉयर है ना, जो उससे लेटर लेके आए कि भाई ये मेरी नया ऑफर लेटर है, उसकी बेसिस के ऊपर आपको रिलीज किया जाए और उस पर वो लिख दिया जाए कि भाई आपका वीजा को प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है, इन रिटर्न में हो वो आप प्रीवियस कंपनी को दे दें, देन दे कैन रिलीज योर पासपोर्ट। अदरवाइज वो पासपोर्ट, मुझे पता है वो तब भी नहीं देते कि पासपोर्ट आप टिकट करवा दें, वो तब देते हैं कि जब आपको आपका ड्राइवर छोड़ के आता है एयरपोर्ट पे, नक्के पे लगा के आता है और फिर पकड़ाता है भाई मेरे निकलो, और वो वहां पे खड़ा रहता है जब तक एग्जिट नहीं कर जाते, जहाज उड़ नहीं जाता, क्योंकि उनको पता है इसने ग्रिल टाप के फिर निकल जाना है बाहर। समझ आई या नहीं आई, ये भाई ये कानून है, ये जंगल का कानून है, यहाँ पे ऐसा ही चलता है, समझना पड़ेगा। जब भी जाते हैं ना, कोशिश करें जहां से जा रहे हैं ना गुड टर्म्स में रिलेशनशिप को खत्म करके जाएं, ये एक अच्छी सी एडवाइस है, इसको ही लेके चलें तो आपका बहुत बेला रहेगा बाकी सारी कामों में। मिलते हैं अगले व्लॉग में, आप समझ आ गई होगी, वीडियो को लाइक शेयर ठोक दीजिए, मिलते हैं।